दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको इस चैनल पे। एंड दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स हम अपने हेयर को कैसे एडिट करते हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया आप हेयर पे वीडियो बनाओ, तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं बताया हूँ कि आप ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर आप अपने हेयर को कैसे एडिट कर सकते हैं, एंड दोस्तों हम अपने स्किन को कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह का एडिटिंग वीडियो लाते रहते हैं। एंड दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि उस ब्लॉग पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं RKPS फोटो एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस वाले फोटो को मैं पहले से ही एडिट करके रखा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कलर ग्रेडिंग किया है और एक चीज़ मैं किया हूँ, बैकग्राउंड को ब्लर किया हूँ। ठीक है, अगर इस तरह का आप बैकग्राउंड ब्लर करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसको देखने के बाद आप इस तरह का बैकग्राउंड जैसे ब्लर हुआ है ना ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर मेरा काफ़ी फेक लग रहा है, काफ़ी घटिया सा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं हेयर को एडिट करना बताऊँगा एंड साथ ही साथ अपने स्किन को स्मूथ करना बताऊँगा। जैसे आप लोग ये वाला फोटो देख सकते हैं, इस फोटो को मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बनाया, जैसे हेयर को मैंने कैसे बनाया है और यहाँ पर जो एक कट दिखाई दे रहा है ना ये मैंने कैसे लगाया है, और यहाँ पे जो कलर ग्रेडिंग चश्मा का जो कलर है, ये सारी चीज़ मैं बता दूंगा इस वीडियो को, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सिंपली इस फोटो को ना सबसे पहले हम ओपन करेंगे ऑटोडेस्क के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोडेस्क के अंदर आपको ओपन कर लेना है। मैं सारे एप्लीकेशन का, जिस एप्लीकेशन में मैं फोटो एडिट करता हूँ, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर भी सारे ऐप अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मेरा फर्स्ट काम है ना, सबसे पहले हम अपने हेयर PNG को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है और यहाँ पे इनपुट इमेज पे टैप करना है और अपने PNG को ऐड कर लेना है, जो आपका हेयर का PNG है। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो इस तरह से ऐड कर लेना है, यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इसको इस तरह से दोनों उंगली से जूम करना है, बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद आपको ना पहले यहाँ पे इसको सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम सेट कर लेंगे बढ़िया से, हालांकि ये काम हम पिक्सआर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे फोटो फटता नहीं है और बिल्कुल HD क्वालिटी में होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐसे ही बहुत ही बढ़िया तरीका से यहाँ पे मैनेज कर लेना है। मैनेज करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है राइट। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आपका जो हेयर है ना, इससे इसका कलर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कलर मैच करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कलर मैच करने के लिए आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और जो हेयर का जो PNG है ना, बाल वाला, उस पर टैप करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कलर बाइलेंस का। ठीक है, तो इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद इससे हम एडजस्ट कर लेंगे, हम यहाँ से मैनुअली अपने हेयर को ना यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इसको हम नीचे जो आपका जो ऑप्शन दिया है ना, इससे हम इधर उधर करके यहाँ से हम हेयर को एडजस्ट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे डन। डन करने के बाद फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी हद तक मेरा हेयर जो मैच हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्किन को स्मूथ करेंगे एंड अपने हेयर को और भी बढ़िया बनाएंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो स्किन को स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ब्रश वाला आइकन पर क्लिक करना है और ये वाला आपको स्मज टूल में चले जाना है और ये वाला ब्रश आपको सेलेक्ट करना है और सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे स्ट्रेंथ को ना आपको 8 रखना है। ठीक है, इसको आप लोग देख लो ध्यान से, और यहाँ पे फोलो को आपको 5 रखना है। ठीक है, और साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, यहाँ से नीचे से क्रॉस कर लेना है और फोटो को जूम करना है और कुछ इस तरीका से आपको, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आप स्किन आपका बिल्कुल स्मूथ नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको लेयर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक और अपने फोटो पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपने फोटो को। ठीक है, अब कीजिएगा ना तो यहाँ पे अब स्मूथ को बढ़िया से हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको स्मूथ कर लेना है, हालांकि स्मूथ के ऊपर तो मैं बहुत सारा वीडियोज़ बना रखा हूँ, उसको भी देखते होंगे आप लोग और इसको भी आप लोग देख करके। इस तरह से मैंने फटाफट से स्मूथ कर लेना अपने स्किन को, और आप लोग ना स्किन को स्मूथ करते हो ना थोड़ा समय दो। ठीक है, बढ़िया अगर समय दीजिएगा तभी आप अपने स्किन को बना पाओगे, हालांकि मैं बहुत समय लग जाता है मैं जब स्किन स्मूथ करता हूँ, तो इसलिए आप लोग से मैं कहता हूँ वीडियो में फास्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं फास्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने फास्ट नहीं किया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको स्किन को आराम आराम से स्मूथ कर लेना है। सो फ्रेंड्स मैंने स्किन को स्मूथ कर लिया और यहाँ पे ना अब चश्मा के कलर को मैं चेंज करने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ से एक एंटी लेयर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से ना आपको कलर ले लेना है ये वाला। ठीक है,
जैसे मैंने ये वाला कलर लिया था, इसको लेना है और ब्रश पे जाना है और लाइब्रेरी के अंदर जा करना आपको ये वाला ब्रश चूज करना है, ठीक है, मीडियम ब्रश। इसको चूज करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीका से अपने चश्मा पहने इसको पेंट करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रश के साइज को बढ़ा ले रहा हूँ और इस तरीका से मैं पेंट कर लूँगा फटाफट से। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके इसको मैं पेंट कर ले रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ मैं बता दूँगा इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो पे अब बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैंने इसको कलर भी कर लिया और यहाँ पे ना थोड़ा सा और कलर को मैं एडजस्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको इस वाले लेयर पे टैप करना है और HCL एडजस्टमेंट पे टैप करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कलर को एडजस्टमेंट कर लेना है और यहाँ से कर लेंगे डन। डन करने के बाद आपको यहाँ पे एक और सेटिंग करना है, सिंपली आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो ब्लेंडिंग नॉर्मल लिखा है ना इस पे आपको टैप करके कलर ब्राउन कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आप कर दीजिएगा ना तो आपका चश्मा का कलर बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगा, बहुत ही खूब लगेगा। और यहाँ पे ना आपको मेन चीज़ है ना कट लगाना है, हेयर में आप कट कैसे लगाओगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्केल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। ये चीज़ आप ध्यान से देखना प्लीज़, यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे जो लिखा है ना गाइड्स इस पे आपको टैप कर देना है, तो आपको कुछ इस तरीका से मिल जाएगा। और इस स्केल को ना आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे रखना है जहाँ भी आप इसको कॉट लगाना चाहते हो, इस तरह से घुमा करके इसको बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ से मैनेज करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने हेयर पे ना बहुत ही अच्छा कॉट लगा सकते हो, तो ऐसे ही आपको करना है और मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से जहाँ भी आप कॉट लगाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था ना, तो इस तरीका से आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे और अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सिंपली आपको जाना है ब्रश वाले आइकन पे और आपको इसी में जाना है स्मॉज में, ये वाला ब्रश चूज करना है और सेटिंग क्या रखना है यहाँ पे देख लो आप ध्यान से, फ्लो को 21, स्ट्रेंथ को 11 और यहाँ पे साइज आप 10 के आसपास ही रखना, ठीक है। इतना रखने के बाद आपको ना इस तरह से पकड़ कर इस तरह खींचना है आगे की तरफ, ठीक है। तो आपको एक कॉट मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आप बहुत सारा कॉट लगा सकते हैं, इसको जहाँ जहाँ भी लगाना वैसे ही आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप यहाँ से कैंसिल कर देना, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस फोटो को ना शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे शेयर अदर पे टैप करके स्नैपसीड के अंदर शेयर करेंगे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करेंगे जिससे मेरा फ़ोटो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे हम सिंपली इस फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर हम भेज लेंगे इस तरीके से, ठीक है। भेजने के बाद आपको टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ना टर्न इमेज पे टैप करना है और थोड़ा सा ना आपको कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जाना है एम्बिनेंस को भी थोड़ा सा आपको बढ़ाना है और बाकी आपको कुछ करना नहीं है, हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। इस तरह से राइट करेंगे, राइट करने के बाद टूल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्टिव टूल पे टैप करेंगे और इस तरह से आपको सिलेक्ट करके अपने फेस को ना थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना है और यहाँ पे सैचुरेशन को ना आपको बिल्कुल कम कर लेना है। फिर से एड वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपके गर्दन पे ना यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना और यहाँ पे ना सैचुरेशन को आपको बिल्कुल कम कर लेना है और यहाँ से राइट कर लेंगे, तो मेरा फेस और ज़्यादा गोरा हो गया है। फिर से आपको टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे टैप करना है और थोड़ा सा ना आपको इस तरह ऊपर करके यहाँ पे शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना, आपके फेस में ना एक अलग से शार्पिन इफेक्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ से कर लेंगे राइट। राइट करने के बाद फाइनली आपका फोटो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन चुका है। अब हम इस फोटो को सेव करने वाले हैं, तो सिंपली आपको यहाँ से डन कर लेना, आपका फोटो हो जाएगा सेव। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इस तरह का एडिटिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले न्यू फ्रेश वीडियो में, तब